जहां आईपीएल 2022 में इससे पहले अपनी गेंदबाजी से सभी का दिल जीत रहा था भारत का ये चाइनामैन गेंदबाज, वहीं अब अपने विनम्र स्वभाव के लिए भी हो रही है इस गेंदबाज की वाहवाही। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस आईपीएल सीजन अपनी गेंदबाजी से तहलका मचा रहे चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव की, जो अब तक अपने प्रदर्शन से लोगों का दिल जीत रहे थे, लेकिन अब मैच के बाद भी उनकी महानता देखकर फैंस उनके मुरीद बन चुके हैं। तो आखिर कुलदीप ने मैच के बाद ऐसा क्या किया जिसकी हर तरफ हो रही है चर्चा, इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरी जानकारी। दोस्तों, आईपीएल के 32वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स का सामना पंजाब किंग्स से था और इस मैच से पहले ही डीसी के खेमे में कोरोना की एंट्री के कारण उन्हें बड़ा झटका लगा था, पर इसके बावजूद दिल्ली वालों ने जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करके पंजाब किंग्स को चारों खाने चित कर दिया। जहां पहले गेंदबाजी करते हुए डीसी ने पंजाब की गाड़ी कभी स्टेशन से आगे ही नहीं बढ़ने दी और महज 115 रनों पर किंग्स की पारी समेट दी, और फिर बल्ले से वार्नर और पृथ्वी शाह के विस्फोट ने इस मैच को 57 गेंद बाकी रहते ही दिल्ली को 9 विकेट से एक धमाकेदार जीत दिला दी। हालांकि इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स के लिए कई खिलाड़ियों ने मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी, जहां गेंदबाजी में कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, खलील और ललित यादव ने दो दो विकेट झटके, तो वहीं बल्लेबाजों से डेविड वार्नर ने शानदार 30 गेंदों में 60 रनों की पारी खेली थी। लेकिन पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब कुलदीप यादव को दिया गया था, लेकिन जैसे ही कुलदीप को इस अवार्ड से नवाजा गया, उन्होंने कुछ ऐसा किया कि सभी का दिल जीत लिया। दरअसल जब चाइनामैन गेंदबाज की शानदार गेंदबाजी के लिए इनाम के तौर पर मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जा रहा था, उसी समय इस खिलाड़ी ने बड़ी महानता दिखाते हुए पंजाब के खिलाफ बेहतरीन गेंदबाजी करने वाले अक्षर पटेल के साथ इस अवार्ड को शेयर कर दिया। और जब उन्होंने ये पुरस्कार अक्षर के साथ शेयर किया, तब इसे देखकर पटेल भी हैरान रह गए, क्योंकि दोस्तों बेशक कुलदीप ने इस मुकाबले में दो विकेट चटकाए थे, लेकिन अक्षर ने ऊपर से आकर इनफॉर्म लिविंगस्टन और शानदार बल्लेबाजी कर रहे जितेश शर्मा का विकेट चटका था, जो शायद इस मैच का टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ था, और इसी वजह से कुलदीप ने अक्षर को भी अपने ही बराबर जीत का हकदार समझते हुए उनके साथ ये खिताब शेयर करने का फैसला लिया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल में से किसे प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिलना चाहिए था? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और क्रिकेट की जुड़ी सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।